हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज 10 तारीख आपका असाइनमेंट आ चुका है बीकॉम सेकंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर वालों का, जिसमें से एक कॉस्ट अकाउंटिंग का आपके असाइनमेंट का एक आंसर मैं कर रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा, कॉस्ट अकाउंटिंग का एक आंसर मैं यहां वीडियो शो कर रहा हूं, बाकी पीडीएफ के लिए मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। आप सभी एप्लीकेशन का लिंक जो है नीचे कमेंट में देखिए और आपको डेफिनेटली वहां पे पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा। अभी फर्स्ट क्वेश्चन है और फर्स्ट क्वेश्चन का पीडीएफ के लिए आपको वहां जाना होगा। मैं वन बाय वन क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा, जैसे मुझे टाइम मिला मैं सॉल्व कर दूंगा। डेफिनेटली कल तक सारे क्वेश्चन आ जाएंगे आपके पास। बाकी अदर सब्जेक्ट जो है जैसे कि कंपनी अकाउंट, कॉर्पोरेट अकाउंट, उसके भी आ जाएंगे। तो हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो लिमिटेशन, तो ये रहा लिमिटेशन का आंसर, ये आपके पास आंसर है। आप ध्यान से देखिए आंसर को, ये हमारा लिमिटेशन है कॉस्ट अकाउंटिंग में। तो मैं आप इसे पॉज करके भी नोट कर सकते हैं और मैं आपको अगर बताऊं तो आप एप्लीकेशन पे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। सर एप्लीकेशन कौन सा है, शिक्षा धाम के नाम से है और आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। फर्स्ट का ए पार्ट डन, चलिए आते हैं फर्स्ट पे बी पार्ट पे। तो बी पार्ट ये रहा आपके सामने, एबीसी एनालिसिस क्या है। और ये क्योंकि यूट्यूब पे पीडीएफ देना मुझे कुछ समझ नहीं आया कि किस तरीके से दें, मैंने एप्लीकेशन पे डाल दिया है फ्री स्टडी मटेरियल में। तो आप देखिए एज इट इज आपने लिखना है और सारे चीजें डिस्क्राइब करके मैंने लिखा है इसमें, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट पेज पे और ये हमारे कुछ एबीसी एनालिसिस के एडवांटेजेस हैं आपके सामने, प्रॉपर विजुअल हो रहा होगा और इसको आप नोट कर सकते हैं पॉज करके, अदरवाइज पीडीएफ के लिए तो ऐप पे जाएं। और फिफ्थ सेमेस्टर का जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होगा उसकी भी क्लासेस ऐप पे मिल जाएगी, लेकिन अभी तो फिलहाल फोर्थ की बात करते हैं। ये हमारा लिमिटेशन एंड। अब आते हैं प्रैक्टिकल फॉर्म, ए पार्ट हो गया हमारा क्वेश्चन का। आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन का ए पार्ट हो गया और अब ये बी पार्ट भी हो गया। अब सी पार्ट पे आते हैं जिसके लिए आप सभी को इंतजार था, और ये रहा हमारे पास सी पार्ट, ठीक है। ये रहा सी पार्ट, मैं थोड़ा सा इसको जूम इन करूं, ये रहा सी पार्ट। अब आप ध्यान से सुनिएगा, रीऑर्डर लेवल मैक्सिमम यूसेज इनटू मैक्सिमम लीड टाइम 600 इनटू 400। पहले आपने तो क्वेश्चन लिखना है फिर आंसर लिखना है, वो क्वेश्चन में गिवन है। आपको यहां मेंशन भी कर सकते हो कि मैक्सिमम ये है टाइम और मैक्सिमम ये है यूसेज। बी पार्ट में चलते हैं, मिनिमम लेवल फॉर्मूला होता है रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस में मिनिमम यूसेज एंड इनटू में मिनिमम लीड टाइम लिख दो या टाइम लिख दो, बात एक ही है। मैंने वही चीज सीधा लिखा, यहाँ पे आप साइड में अमाउंट भी लिख सकते हो। आ जाइए थर्ड पार्ट पे, मिनिमम लेवल रीऑर्डर लेवल माइनस में एवरेज यूसेज इनटू में एवरेज टाइम होता है, और हमारा रीऑर्डर लेवल ये था, एवरेज मैंने निकाल लिया। कैसे निकाला है एवरेज आपको मैं बताता भी जाऊंगा। एवरेज देखिए इन दोनों का टोटल करेंगे ना, 400 प्लस में आप 250 डिवाइडेड बाई 2, तो एवरेज आ जाएगा और टाइम आ गया 10/2। वैसे मैंने सारी चीजें डिटेल से बता दिया आपको, ये आ गया। चलिए आते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे, बहुत ध्यान से सुनना है आपने। फोर्थ पार्ट में है एवरेज लेवल, एवरेज लेवल का फॉर्मूला है मिनिमम लेवल प्लस में मैक्सिमम लेवल डिवाइडेड बाई 2। तो मिनिमम लेवल जो था ये देखिए आप पीछे हमने निकाला था, ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे तो मिनिमम लेवल निकाल रखा था ये, इसके बाद मैक्सिमम और ये मिनिमम, इन दोनों को ही प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 करते हैं हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। क्या होता है नहीं होता है, क्लासेस लेते तो आपको सारी चीजें मैं समझाता। मिनिमम लेवल का एक और फॉर्मूला है लेकिन आंसर अलग आता है, मिनिमम लेवल 1/2 EOQ। अब EOQ होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, तो मेरी आप लोगों को सजेशन है कि पूरा नाम ही